गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम अपना पार्ट 9 अरुणाचल प्रदेश, जो कि सतीश जायसवाल जी द्वारा लिखा गया है, वो पार्ट शुरू करेंगे। हमने इसमें यहाँ तक पढ़ लिया था, अब हम आगे करेंगे। आगे सड़क बंद थी और वहाँ अफरा तफरी का माहौल था। आगे जो सड़क थी वो बंद पड़ी हुई थी और वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोग इधर उधर हो रहे हैं, आप बार बार अफरा तफरी का माहौल था। बोमडिला से आगे अभी 15 से 20 किलोमीटर ही चले होंगे कि इधर से आगे बड़ी गाड़ियां पीछे की तरफ वापस लौटती मिली और उनके साथ यह खबर कि आगे सड़क जाम है। बोमडिला में आगे बढ़े हुए सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर ही चले होंगे ये लोग। उसके बाद क्या हुआ, उधर से गाड़ियां लौटती हुई दिखाई दी और उनसे ये सुनने को मिला कि साथ में ये खबर आई कि आगे क्या है, रास्ता जाम है। यहाँ दो ढाबे हैं, यहाँ भोजन भी है और चाय भी। और उसके बाद उन्हें यह पता चला कि यहाँ दो ढाबे हैं, वहाँ भोजन भी मिल जाएगा और चाय भी। खूब गहरी धुंध उतरती चली आ रही है और जो दिखाई पड़ रहा था वह धुएं में घूमता जा रहा है। ये क्या हुआ है, खूब जो गहरी धुंध है वो क्या हो रही है, उतरती चली आ रही है, मतलब धुंध जो है वो और बढ़ती जा रही है और जो दिखाई पड़ रहा था वह धुएं में गुम होता सा दिख रहा है। इसके साथ तीखी ठंडी हवा भी शुरू हो गई और बदन को कांपने लगी, कपाने लगी, ठीक है। इसी के साथ क्या हुआ, एक तो धुंध है, ऊपर से ठंडी ठंडी हवाएं भी चल गई जिसकी वजह से जो लोग हैं वो बिल्कुल कांपने लगे। ये देखिए एक पिक्चर दी गई है ब्यूटीफुल सी अरुणाचल प्रदेश की, आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। देखिए घर कैसे बने हुए हैं जिससे कि बर्फ़ ना जमा हो, ठीक है, इसलिए ये स्लेंट वाले घर बने हुए हैं, देखिए, जिससे कि पानी वगैरह वगैरह भी कुछ ना रुके। देखिए ऊपर भी ऐसे ही घर हैं, है ना, देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़, पेड़, बिजली की लाइंस, ये आपको देखने को मिलेगा। ये मतलब सुंदर से एक पिक्चर है अरुणाचल प्रदेश की जिसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, अभी तक मैं एक स्वेटर के सहारे बैठा हुआ था, लेखक बोलते हैं अभी तक वो एक स्वेटर के सहारे बैठे हुए थे। अब मैंने ऊपर से विंड शीटर डाली और सिर को भी टोपी से ढका। अब वो क्या बोलते हैं कि अब मैंने ऊपर से विंड शीटर भी डाल लिया है जो क्या करे, मुझे सर्दी से बचाए, और एक टोपी भी मैंने पहन ली है, इससे कुछ बचाव हुआ। इससे क्या हुआ है, कुछ बचाव हुआ। फिर मैंने अपना कैमरा उठाया, इससे कुछ जब उन्हें बचाव मिला, लगा कि अब ठंड इतनी नहीं लग रही है, तो उन्होंने अपना कैमरा उठाया और ठीक अपने सिर पर खड़ी हुई पहाड़ी की तरफ निकल आया, और ठीक जो उनके सिर के ऊपर ये जो पहाड़ी खड़ी है उस तरफ निकल आए। इस पहाड़ी पर मकान दिख रहे हैं जिनमें लोग रहते हैं, और इस तरफ क्या दिख रहे हैं, मकान दिख रहे हैं जिनमें क्या रहते हैं, लोग रहते हैं। वहाँ रहने वालों ने अपने घरों के बाहर और पहाड़ी ढलानों पर रंग बिरंगे फूलों के पौधे लगा रखे हैं, और वहाँ जो लोग रहते हैं उन्होंने पहाड़ी ढलानों के पास और अपने घर के बाहर रंग बिरंगे फूलों के क्या लगा रखे हैं, पौधे। इस समय फूल भरपूर खिले हुए हैं और गहरी धुंध के बावजूद उनके रंग चमक रहे हैं, और इस समय जो फूल है बिल्कुल अच्छी तरह से खिले हुए हैं और गहरी धुंध के बाद भी उनके रंग चमक रहे हैं, ठीक है। ऊपर पहाड़ और पहाड़ी ढलानों पर खिले हुए रंग बिरंगे फूलों को देखना अच्छा लगता है। पहाड़ पर और पहाड़ी ढलानों पर ये जो खिले हुए रंग बिरंगे फूल होते हैं उन्हें देखना अच्छा लगता है, ऐसा लेखक कहते हैं। ऊपर से बहुत बड़ी चट्टान धसक कर नीचे सड़क पर गिरी। ऊपर से ऐसा लगा बहुत बड़ी चट्टान क्या है, खिसक कर नीचे की तरफ गिरी। चट्टान क्या, एक छोटा मोटा पहाड़ी है, उसे चट्टान नहीं एक छोटा मोटा पहाड़ी समझ लो। वही रास्ता रोके हुए है, और वही क्या है, रास्ता रोके हुए है। सेना का एक टैंक अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे नीचे खाई में धकेलने के लिए जूझ रहा है, और सेना का एक टैंक क्या कर रहा है, उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर नीचे पहाड़ी में धकेलने के लिए जूझ रहा है, उसे लड़ रहा है। किसी विशालकाय हाथी की तरह जाकर चट्टान के साथ सीधे मस्तक भिड़ाता है। उसके बाद क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत बड़े हाथी की तरह वो क्या कर रहे हैं, चट्टान से अपना माथा भिड़ा रहा है वो जो मशीन है, फिर वापस लौटकर पैर जमाता है। फिर जब कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो वो मशीन क्या करती है, वापस लौटकर पैर जमाती है और नए सिरे से धक्का देता है, और फिर नए तरीके से वो धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन चट्टान टस से मस नहीं हो रही है, और जो चट्टान है वो टस से मस नहीं हो रही है। तब टैंक ऑपरेटर ने अपने सिर पर लाल छींट वाला एक कपड़ा बांधा और बहुयुद्ध के लिए टैंक के हाथों को खोल दिया।
उसके बाद क्या हुआ, जो टैंक का ऑपरेटर है, जो टैंक चला रहा था, उसने लाल कपड़ा निकाला और लाल कपड़ा अपने सिर पे बांधा, और बाहो युद्ध के लिए वो उसने क्या किए, मतलब बाहों से, हाथों से युद्ध करने के लिए हाथों को खोल दिया टैंक के, ऐसा लगा। टैंक के हाथ चट्टान को चूर चूर करके नीचे खाई में लुढ़काने लगे, और टैंक के हाथों ने क्या किया, चट्टान को चूर चूर कर दिया और उसे नीचे लुढ़का दिया। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।